चलिए एक उदाहरण लेते हैं, 8 × 125 अब इसका गुणा करेंगे बराबर 8 में हम 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 125 में 3 अंक हैं इसलिए एक के आगे 3 0 लगा देंगे। 8 × 125 का आंसर है 1000। चलिए उदाहरण और लेके समझते हैं, 8 से कटने वाला एक नंबर और है 16, जिसका गुणा 125 से कराएंगे बराबर 2 बार में, और 3 0 ये हो गया 2000। एक और लेते हैं 24 × 125, 8 × 3 = 24, इसमें भाग दिलाइएगा तो 3 बार जाएगा, और 125 में 3 अंक हैं इसलिए 3 के आगे 3 0